हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर असिस्टी टीचर एंड टूडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर टू इन हिस्ट्री द रीजनल किंगडम पार्ट फर्स्ट रीजनल किंगडम मतलब क्षेत्रीय साम्राज्य रीजनल मतलब टेरिट्री जैसे आज की डेट में हमारी कंट्री में स्टेट्स में डिवाइडेड है तो इसी तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले टेरिटरी वाइज किन किन सा कौन कौन से साम्राज्य थे किन किन डाइनेस्टीज़ ने रूल किया था ओके सो हेयर इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द की पॉइंट नॉर्थ इंडिया ओनली ओके, okay? so so में सबसे पहली जो डायनेस्टी है जो सबसे पहली है, वो है राजपूत ऑफ राजस्थान हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो राजपूत ऑफ राजस्थान थे वो डेस्केंडेंट्स थे क्षत्रिय के यानी कि वॉरियर क्लास के ठीक है डेस्केंडेंट मतलब वंशज थे वो द राजपूत क्लेम दैट राजपूत ये भी दावा करते थे कि वो सूर्यवंशी हैं और चंद्रवंशी हैं ठीक है सूर्यवंशी का मतलब होता है जो डेस्केंडेंट है जो पूर्वज हैं यानी कि जो उनके मतलब हम उनका वंश चलता हुआ आ रहा है वंशज हैं वो सूरज के परिवार के और चंद्रवंशी हैं यानी कि वो वंशज हैं चंद्रमा के परिवार के ठीक है वो ये ऐसा क्लेम करते थे फिर एक क्लेम फिर उन्होंने एक क्लान ऐड हुआ इसमें क्लान यानी कि फिर से एक डायनेस्टी ऐड हुई और वो ये दावा करते थे कि वो क्या है अग्निकुल हैं यानी कि फायर बोन है उनका जो जन्म है वो किससे हुआ है विद दी फ्लेम्स ऑफ सेक्रीफिशियल फायर यानी कि जो यज्ञ की अग्नि है वो उनकी ल, जो लपटे होती हैं जो फ्लेम्स होती हैं वो उनसे उनका एमर्ज हुए वो उनसे उत, उनकी उत्पत्ति हुई है ठीक है जो वर्ड राजपूत है वो एक संस्कृत वर्ड से आया है राजपुत्रा से जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ किंग कुछ राजपूत क्लेन्स हैं कुछ डायनेस्टीज़ हैं जैसे कि चौहान्स हैं तोमर हैं सोलंकीज़ हैं ये सब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे तो इनमें से जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं वो रहे हैं चौहान्स और और चामनाज नाउ द तोमर ऑफ डेली तोमर्स डेली में जो तोमर रूलर थे उन्होंने फ़ाउंड की थी सिटी दिल्ली का यानी कि दिल्ली एटीनथ सेंचुरी में बाद में चौहानस ने अपने जो टेरिटरी थी उसको एनेक्सीड किया एक तरह से इंक्रीज़ किया ये वो हरियाणा टू दिल्ली मध्य प्रदेश इस तरह से वो और ज़्यादा उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाया यानी कि बाई एनेक्सीड द टेरिटरीज ऑफ अदर्स नाउ द चौहान्स ऑफ राजस्थान चौहान्स ऑफ राजस्थान चौहान्स डायनेस्टी ये जो ये जो वंश है ये फ्लारिश हुआ है फ्रॉम एटीन टू ट्वेल्थ सेंचुरी यानी कि फ्लारिश मतलब इसका विकास हुआ है ये अच्छे से उभर के आया है चौहान्स डोमिनेटेड इन डेली अजमेर एंड रंथम बोर डोमिनेट एक तरह से इन्होंने शासन किया है डेली में अजमेर में और रंथम बोर में राइट देवर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन सीरो इन द साउथ वेस्ट ऑफ राजपुताना एट एंड एट बूंदी एंड कोटा इन द ईस्ट और सबसे पावरफुल रूलर जो रहे हैं चौहान्स के वो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान ही रेसिस्टेड द मुस्लिम अटैक यानी कि उन्होंने रेसिस्टेड का मतलब होता है रोका है या उनके साथ स्ट्रगल करी थी जो मुस्लिम्स ने अटैक किया था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन मोहम्मद गौरी और एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी तो फर्स्ट बैटल जो हुई तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पर सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से तो जो जो तराई की जो सेकेंड जो बैटल हुई थी वो हुई थी वन वन नाइन टू में तो पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था मोहम्मद गौरी ने नाउ द नेक्स्ट इज सोलंकीज ऑफ गुजरात तो बेटा ये समझ में आ रहा है ना आपको कि जैसे राजपूत हैं तोमर्स हैं चौहान्स हैं सोलंकीज़ हैं ये सब डायनेस्टीज हैं जो जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में क्या किया है रूल किया है राइट तो ये हो गया रीजनल किंगडम है ना यानी कि टेरिटरी वाइज उनके यहाँ पर साम्राज्य थे तो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम लोग तो सोलंकीज़ ऑफ गुजरात सोलंकीज गुजरात जो थे उनको चालुक्यास भी बोलते थे सिद्धराजा सिद्ध राजा वॉज अ मोस्ट पावरफुल रूलर सबसे पावरफुल रूलर इस डायनेस्टी के कौन रहे हैं सिद्ध राजा दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है और जो सन टेम्पल है जो सन टेम्पल है मोदीहरा में वो सोलंगीज रूलर ने ही बनवाया था राइट right? परामर्स ऑफ मलवा भोजा परमर जो थे बहुत पावरफुल रूलर थे हिस कैपिटल वॉज धार यानी कि यहाँ की जो कैपिटल है जो परमर्स की जो कैपिटल है वो है धर नीलकंठेश्वर टेम्पल जो उदयपुर में है वो परामर्स ने ही बनवाया था ओके नाउ गढ़वाल्स ऑफ कन्नूज कन्नूज रूल्ड अराउंड गढ़वाल्स रूल्ड अराउंड कन्नुज द गढ़वाल किंग जयचंद वॉज डिफिटेड बाई यानी कि जो गढ़वाल के किंग थे जयचंद उन्हें किसने हराया था मोहम्मद गोरी ने इन वन वन नाइन फोर में ओके चंदेला ऑफ बुंदेलखंड चंदेलाज रूलर लैंड बिटवीन उन्होंने जो चंदेलाज रूल थे उन्होंने रूल किया है यमुना और नर्मदा रिवर्स के बीच में द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी वॉज क्रीतिवर्मन ओके खजूराहो ये इसकी कैपिटल है चंदेला रूलर्स की जो कैपिटल है वो है खजुराहो दो द खजूराहो टेम्पल खजूराहो टेम्पल से मतलब है यहाँ पे कि द ट ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ हिंदुज़्म एंड जैनिज्म वो चंदेलाल रीजन में ही बनाए गए हैं राइट नाउ गजनविच एंड मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी ठीक तो इंडिया अक्रॉस मैनी इन्वेडर्स यानी कि बहुत सारे आक्रमणकारी जो इंडिया को हर मतलब इंडिया को लूटना चाहते थे इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे अक्रॉस द माउंटेन पासिस इन द नॉर्थ वेस्ट वो मतलब वो पास हुए वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए महमूद द रूलर ऑफ़ गजनी लेट द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेशन ये पहले थे जिन्होंने फर्स्ट सीरीज़ थी इनकी फर्स्ट सीरीज़ यानी कि ही बिगिन टू इन्वेड इंडिया महमूद वॉज अ रूलर ऑफ़ गजनी जो महमूद थे वो गजनी के रूलर थे जो कि जो ये जो जो ये गजनी है ये आज की डेट में अफग़ानिस्तान में है तो ये जो महमूद हैं ये रूलर थे गजनी के ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इनको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी कि जिससे ये जो गजनी है इसको बहुत पावरफुल साम्राज्य बना पाए सो ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ किंगडम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन्होंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ है बहुत ज़्यादा रिच है वहाँ कहाँ की किंगडम्स नॉर्थन इंडिया के तो इन्होंने सोचा इन्होंने डिसाइड किया कि वो रेड करेंगे और वहाँ से मनी कलेक्ट करेंगे ताकि वो अपनी बड़ी आर्मी बना पाएँ ठीक है ही ऑल्सो अटैक द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया ही इन्वेडिड मथुरा मथुरा को उन्होंने इन्वेड किया है कन्नौज को सोमनाथ को ठीक है तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि वो ये इंडिया में टेरिटरी बढ़ाएंगे अपनी उनका था कि वो क्या करेंगे लूट मार करेंगे प्लेंडर करेंगे लूटेंगे जो टे टेम्पल्स हैं जो प्लेसेस हैं उनको वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो अपना एम्पायर बढ़ाएं इंडिया में ठीक है बाद में उन्होंने इनक्सीड किया पंजाब को और पार्ट ऑफ देयर किंगडम और अपने पंजाब को इनक्सीड करने के बाद अपने किंगडम को उन्होंने इनक्रीज़ किया टेम्पल वो सेग्ड इन सोमनाथ इन वन ज़ीरो टू सिक्स यानी कि उन्होंने टेम्पल को लूटा और फिर जो ये महमूद थे ये डाइड हो गए थे वन थाउजेंड थर्टी में ठीक सो नाउ दिस इज अ सोमनाथ टेम्पल गुजरात ये जो लिख रहा है ये आप खुद से पढ़ेंगे नाउ द नेक्स्ट इज मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी जैसे अभी हमने गजनी की बात करी तो इसी तरह से जो गजनी जैसे हमने गजनी की बात करी गौर गौर वॉज़ अ स्मॉल किंगडम गौर भी एक छोटा सा राज्य था साम्राज्य था इन द प्रेजेंट डे अफग़ानिस्तान जो कि आज की डेट में अफ़गानिस्तान में है महमूद ऑफ़ गजनी हैड डिफ़ीटेड द रूलर ऑफ़ गौर यानी कि जो महमूद ऑफ़ गजनी थे उन्होंने डिफ़ीट किया था गौर के रूलर को एंड हैड मेड हिमा वैसल यानी कि अपना क्या बना लिया था दास बना लिया था आफ्टर महमूद डेथ महमूद की डेथ के बाद जो गजनावीट्स थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे है ना ये जो ये जो गजनी जो ये एम्पायर था ये जो किंगडम था ये कमज़ोर हो गया था तो इसकी एडवांटेज ली इसका फ़ायदा उठाया मुजुद्दीन मोहम्मद ने मेड गोर इंडिपेंडेंट वंस अगेन जो दास बना लिया था उसने उसको आज़ाद करवा दिया ही ऑल्सो ऑल गजनवी टेरेटरीज तो ये जो मुजुद्दीन मोहम्मद हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने जितनी भी गजनवी टेरेटरीज थी जितना भी उनका एरिया था सबको उन्होंने अपने अंडर कर लिया हड़प लिया मुजुद्दीन मोहम्मद जो कि आज की डेट पर हिस्ट्री में जाने जाते हैं मोहम्मद गौरी के नेम से ओके नाउ दीज आर द इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गौरी यानी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया है क्या क्या उन्होंने फाइट करी हैं किन से करी हैं और कौन कौन से अब टेरिटरीज़ को एनेक्सीड किया है तो मोहम्मद द रूलर ऑफ़ गौर कैप्चर्ड गजनी इन वन वन सेवन थी जैसे अभी हमने पढ़ा कि गजनी जो एम्पायर जो किंगडम था वो कमज़ोर हो गया था महमूद गज़नी की डेथ के बाद तो इन्होंने इसको कैप्चर्ड किया एंड ही टर्न टूवर्ड्स इंडिया हिज एम अब जो महमूद गजनी थे उनकी तो एम ये नहीं थी कि वो टेरिटरीज़ बढ़ाएंगे एरिया बढ़ाएंगे पर इनकी थी यानी कि इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव वो डिफरेंट थे उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लूट और प्लंडर करना था पर इनका नहीं था हिज एम ऑफ इन्वेडिंग इंडिया अब देखो उनकी जो एम थी इन्वेड करने की वो डिफरेंट थी महमूद ऑफ गजनी से उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि ये लूट करेंगे या प्लंडर करेंगे पर ये इंडिया को जीतना चाहते थे ठीक है हिज फर्स्ट इन्वेज़न वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट मुल्तन यानी कि सबसे पहले जो तो इन्होंने आक्रमण किया वो मुल्तन पे किया यानी कि आज की डेट में एक सिटी है पाकिस्तान में ठीक है इसी तरह से ये इन्वेड करते चले गए तो थे मुल्तान सिंदन लाहौर ये सब महमूद गौरी ने एनेक्सीड कर लिए थे अपने इन्होंने पार्ट बना लिया था अपने एम्पायर का राइट फिर उसके बाद ऐसे ही फर्स्ट बैटल हुई तराई की फ़र्स्ट बैटल हुई वन वन नाइन वन में यहाँ पर महमूद गोरी डिफ़ीट हो गए थे पृथ्वीराज चौहान से फिर उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था ठीक है फिर उन्होंने जयचंद से लड़ाई करी तो इसी तरह से इन्होंने इनके ये इन्वेजन्स हैं तो वन जीरो वन टू ज़ीरो सिक्स में इनका मर्डर हो गया था सो दैट्स इट अब ये देखिए स्ट्रगल ऑफ कन्नौज ये क्या है स्ट्रगल ऑफ़ कन्नौज यानी कि कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी नॉर्थ इंडिया में ठीक है द स्ट्रगल ऑफ़ कंट्रोल ऑफ कन्नौज कम टू थ्री पार्टी स्ट्रगल यानी कि जो इन इसके लिए कन्नौज के लिए जो फाइट जो स्ट्रगल हुआ है उसको पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं यानी कि थ्री साइडेड स्ट्रगल बोलते हैं यानी कि ये दो सेंचुरीज़ तक चली है इट लास्टेड फोर मोर देन टू सेंचुरी टू सेंचुरी मतलब वन सेंचुरी टू हंड्रेड ईयर टू का हो गया टू हंड्रेड ईयर्स यानी कि दो सौ साल तक चली है और इन्होंने जो पैलास थे गुर्जारा प्रतिहाराज राष्ट्रगूताज इन सबको क्या कर दिया था कमज़ोर कर दिया था क्योंकि इन इनके ही बीच में ये फाइट थी तो ये जो थ्री डायनेस्टीज थी ये जो तीन वंश थे ये इसी पार्टी में इन्वॉल्व थे हर कोई चाहता था कि हमारा कंट्रोल हो कन्नुज पे ठीक है जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर हु एवर हेल्ट कन्नौज कौन कंट्रोल द रिसोर्स जिसके पास भी कन्नौज होगा कन्नूज सिटी होगी वो कंट्रोल करेगा रिसोर्स को जैसे मिनरल्स है एग्रीकल्चर है ट्रेड है ठीक है तो क्योंकि कन्नूज जो थी वो गंगा ट्रेड रूट पर लोकेटेड थी ये जो सिटी है तो इसीलिए लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ठीक तो ये ट्रिपार्टेड स्ट्रगल हो गई नाउ द पलास जो पाला किंगडम था इसके जो जो पाला डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गोपाला उसके बाद धर्मपाल ने इनको सक्सीड किया सेवन एटी से एट वन फाइव तक ही कुड कंट्रोल द सिटी ऑफ कन्नूज फॉर सम टाइम इन्होंने कंट्रोल करा है देवपाला द सन एंड सक्सेसन ऑफ़ धर्मपाला एनेक्सीड आसाम एंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा देवपाला जो कि सन थे या सक्सेसर बोल सकते हैं धर्मपाल के उन्होंने आसाम को एनेक्सीड किया और और आज की डेट में जो पार्ट्स हैं उड़ीसा के उनको ठीक जो पलास थे डिफीटेड उनको हराया किसने रूलर ऑफ सेना डायनेस्टी ने ओके जो पलास हैं वो ग्रेट प्रमोटर्स हैं रिलीजन आर्ट एंड लिटरेचर के यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है धर्म को कला को ठीक है आज की डेट में बिहार में इन द प्रेजेंट डे बिहार धर्मपाल इंप्रूव द नालंदा यूनिवर्सिटी जो धर्मपाल थे अभी हमने बात करी जिन्होंने एनएक्सीड किया है आसाम को और प्रेजेंट डे उड़ीसा को तो उन्होंने इंप्रूव कराई थी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि देखो आप पिक्चर में देख सकते हो दीज आर द रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड आई ऑल्सो फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया है ठीक जो पलास थे उन्होंने मेंटेन किए हैं क्लोज ट्रेड लिंक विद दी साउथ ईस्ट एशिया ओके ना द नाउ द लास्ट अब हम लास्ट डायनेस्टी की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में थी तो वो थी गुरजारा प्रतिहाराज जो एक किंग थे नागा भट्ट उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था एंड डिफिनिंग द अरब्स इन सेवन थ्री एट ए डी जो किंग भोजा थे वो एक ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के इस वंश के कन्नुज रिमेंड हिज कैपिटल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम यानी कि यहाँ की इनकी कैपिटल बहुत दिन तक कन्नुज भी रही है हि सन महेंद्र पाल एडेड ऑफ नॉर्थ बिहार टू द प्रतिहारा एम्पायर इन्होंने पार्ट एड एड करने का मतलब होता है कि इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया है महेंद्रपाल सक्सेसर वर वीक यानी कि जो उनके आगे जो सक्सेसर थे वो कैसे थे कमज़ोर थे तो ये जो महमूद ऑफ गजनी हैं उन्होंने इन्वेड कर लिया था कन्नौज को इन वन ज़ीरो वन नाइन में इन्वेड यानी कि आक्रमण कर लिया था ही टुक इट अंडर कंट्रोल ओके नाउ द पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग पैटर्न का मतलब होता है कि सपोर्टर्स रहे हैं एनकरेज किया है या कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है तो पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग का मतलब है ये जो गुर्ज गुजारा और प्रत्याराज हैं इन्होंने सपोर्ट किया है आर्ट को लर्निंग को राइट right? तो गुर्जारा प्रत्याराज और ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड आर्ट किंग जो भोजा थे वो उनकी आज भी उनके लिए आदमी स्टोरीज़ बताई जाती हैं उनकी बुद्धिमानी की उनकी अच्छाई की बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड एंड जस्ट बहुत ज़्यादा वो दयालु थे ठीक है द प्रतिहारा रूलर डेकोरेटेड कन्नौज जो प्रतिहारा रूलर से उन वो डेक उन्होंने डेकोरेट किया है करते थे विद अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स राइट सो आई होप ये नॉर्थ इंडिया में जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं ये आपको समझ में आई होंगी सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेकन से स्टार्ट करूँगी ओके थैंक यू